धरने पर बैठे सांसदों को चाय लेकर पहुंचे हरिवंश सिंह, पीएम मोदी ने की सराहना। संसद के बाहर धरने पर बैठे सांसदों के लिए आज सुबह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह चाय लेकर पहुंचे। उनके इस कदम की सराहना प्रधानमंत्री मोदी ने भी की है। पीएम ने कहा कि यह हरिवंश सिंह जी की उदारता और महानता को दर्शाता है। लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है। मैं उन्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि हर किसी ने देखा कि दो दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में उनको किस प्रकार अपमानित किया गया, उन पर हमला किया गया और फिर वही लोग उनके खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। लेकिन आपको आनंद होगा कि आज हरिवंश सिंह ने उन्हीं लोगों को सवेरे सवेरे अपने घर से चाय ले जाकर पिलाई, जो लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है। बता दें कि रविवार को राज्यसभा में किसान बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के कई सांसदों ने वेल में जाकर हंगामा किया था। हंगामा कर रहे सांसदों ने राज्यसभा की रूल बुक तक फाड़ दिया था। साथ ही उपसभापति के ऊपर पेपर उछालने के साथ उन सांसदों ने चेयरमैन का माइक भी तोड़ डाला था, जिसके बाद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कार्यवाही करते हुए हंगामा करने वाले 8 सांसदों को पूरे मानसून सत्र से निलंबित कर दिया था। निलंबन के खिलाफ 8 सांसद सोमवार से धरने पर बैठे थे। मंगलवार को सुबह हरिवंश सिंह ने उन्हें घर से ले जाकर चाय दी। उनके इस व्यवहार की तारीफ पूरे देश में हो रही है। हम लोग पूरी रात यहाँ पर धरने पर बैठे रहे, देश के करोड़ों किसानों को न्याय दिलाने के लिए, देश के करोड़ों किसानों के खिलाफ जो काला कानून इस पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया है उसके खिलाफ। अभी आज सुबह यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन साहब आए थे, उपसभापति जी आए थे, हमने उनसे भी कहा कि उस दिन नियम कानून को ताक पर रख के किसान विरोधी बिल देश की संसद में पास किया गया, जबकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। हम लोग वोटिंग मांगते रहे, आपने वोटिंग नहीं कराई। ये बात डिप्टी चेयरमैन साहब अभी यहाँ आए थे, उनसे भी कहा गया। व्यक्तिगत ये कोई रिश्ते निभाने का सवाल नहीं है, यहां हम बैठे हुए हैं किसानों के लिए और किसानों के साथ धोखा हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है, 130 करोड़ लोगों ने देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।